Dear students, today we will discuss about metal carbonyls and stability of complexes. First of all, we will discuss about metal carbonyls. Metal carbonyls are the organometallic compound in which CO act as ligand. मतलब ये वो organometallic compound होते हैं जिनमें CO ligand के रूप में present होता है. अब देखिए, जो CO होता है इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज ए लिगेंड प्रेजेंट होता है तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो कार्बोनिल होता है. अब मैं आपको समझाता हूँ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड के बारे में. देखिए, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो. जैसे यहाँ पे देखिए, निकिल मेटल है और कार्बन आपका निकिल के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो ये ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड हुआ. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, आयरन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, क्रोमियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये सब ऑर्गेनोमेटैलिक्स हैं. ऑर्गेनोमेटैलिक्स का एक और वेल नोन एग्जाम्पल है जिसका नाम है ग्रिगनार्ड एजेंट. ग्रिगनार्ड एजेंट यानी RMGX, जैसे CH3MgBr, तो वहाँ पे Mg मेटल होता है और कार्बन के साथ वो बॉन्ड बना रहा होता है, तो ग्रिगनार्ड एजेंट भी ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है. ऐसे ही मेटल कार्बोनिल्स भी ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स होते हैं. अब यहाँ पे ऑर्गेनोमेटैलिक्स की एक स्पेशल कैटेगरी है जिसका नाम है होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स. होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ CO प्रेजेंट हो, इसके अलावा और कोई लाइगेंड प्रेजेंट ना हो, तो हम उसे कहते हैं होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स. जैसे ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिए हैं, इनकी ज्योमेट्री पे ध्यान दीजिएगा. ये आपका जो ज्योमेट्री आ रही है, टेट्राहेड्रल आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाईपिरामिडल होगी क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, और इसकी ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल जिसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. कुछ मेटल कार्बोनिल्स में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक नहीं बल्कि दो दो हैं. जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दो मैग्नीज एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, यहाँ पे दो कोबाल्ट एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, तो इन्हें हम कहेंगे डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं. इन दीज मेटल कार्बोनिल्स मेटल मेटल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट विद द मेटल लिगेंड बॉन्ड. जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीज और CO यानी मेटल और लाइगेंड के बीच में तो एक बॉन्ड है ही, बल्कि मेटल और मेटल के बीच में भी एक बॉन्ड आप देख रहे हैं, तो इस वजह से इसे हम लोग कहेंगे डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है CO2CO का होल 8. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दो कोबाल्ट आपस में भी बॉन्ड बना रहे हैं और कोबाल्ट CO लिगेंड के साथ भी बॉन्ड बना रहा है. चलिए अब हम इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं. सबसे पहले देखिए, हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक दो बार आ भी चुका है और निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम्स में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आसान नहीं है. तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल. तो आप देखिए, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी टोटल 5 लिगेंड इस मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. ये वाला बॉन्ड कंसिडर नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, क्योंकि यहाँ तो मेटल खुद मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो मैग्नीज का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 5 आएगा. ऐसे ही इस वाले मैग्नीज का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा, क्योंकि वो 5 लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, तो इस मेटल कार्बोनिल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 5 आएगा. अब जरा इस वाले की स्टडी करते हैं. इसमें आप देखिए कोबाल्ट, ध्यान से देखिए, 5 लिगेंड से अटैच्ड है.
इन तीनों लिगेंड को कहते हैं टर्मिनल लिगेंड, और ये जो ग्रीन कलर वाले दो लिगेंड हमने बनाए हैं इन दोनों लिगेंड को कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब वो लिगेंड जो दो सेंट्रल मेटल को जोड़ने का काम करता है। ये आप ध्यान से देखिए, ये सीओ बिल्कुल बीच में है इन दोनों कोबाल्ट के, तो ये जो सीओ होगा ब्रिजिंग लिगेंड कहलाएगा, ये सीओ भी ब्रिजिंग लिगेंड कहलाएगा। तो टोटल बताइए कोबाल्ट से कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, 1, 2, 3, ये तीन तो टर्मिनल हो गए प्लस 2 ये ब्रिजिंग हो गए, तो यानी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 5 होगा। इस वाले कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, क्योंकि ये कोबाल्ट भी टोटल 5 लिगेंड से अटैच्ड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, इन दोनों एग्जाम्पल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 5 होगा। तो आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूले से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जैसे कुछ लोग ये ट्रिक बना सकते हैं कि भाई दो मैग्नीज हैं और 10 सीओ हैं, तो 10/2=5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ जाएगा। तो भाई ये ट्रिक यहाँ तो चलो काम कर गई, लेकिन अगर आप यही ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे 8/2=4, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि फॉर्मूले से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी से कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे निकलेगा। अब इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है इफेक्टिवली मेटल के पास लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये फॉर्मूला सिंपल एग्जांपल्स में तो लग जाता है, जैसे आपने NiCO4 को देखा, FeCO5 को देखा, जो सिंपल मेटल कार्बोनिल्स हैं वहाँ पे तो ये फार्मूला ओबे होता है, लेकिन जो डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वहाँ पे इस फार्मूले में हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, एटॉमिक नंबर मैग्नीज का 25 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो सॉल्व करेंगे तो मैग्नीज का भी 0 आएगा, राइट। अब इसके आगे है ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे आपने मैग्नीज का जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था वो 5 था, तो 2 × 5 कर दिया, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे हमने +1 भी किया है, तो ये +1 कहाँ से आया? तो बेटा इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो मैग्नीज है इससे 5 CO अटैच्ड हैं, और ये जो 5 CO हैं ये मैग्नीज को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 × 5 किया है। लेकिन ये जो मेटल मेटल के साथ जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे सिंपली एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो इस वजह से यहाँ पे इस मैग्नीज को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इस मैग्नीज को भी एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इस वजह से मैग्नीज को यानी मैग्नीज को एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, और इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन 36 हो गए, और 36 आप सब जानते हैं क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैग्नीज है उसके पास क्रिप्टन के बराबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी वो क्रिप्टन के जैसा ही स्टेबल है। चलिए अब हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और ये जो ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है ये देखिए किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है यहाँ पे टर्म। जैसा कि आपने इसके स्ट्रक्चर में देखा था, यहाँ पे दो तरह के लिगेंड है, एक टर्मिनल और दो ब्रिजिंग लिगेंड हैं, ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड हैं, और इनको इसलिए ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं क्योंकि ये दो कोबाल्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टर्मिनल लिगेंड है ये तो एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 × 3 कर दिया, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिले टर्मिनल लिगेंड से।
लेकिन ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ये एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट को देगा, यानी उनका जो लोन पेयर है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक बढ़ गए, यानी ये जो दोनों ब्रिजिंग लिगेंड हैं ये मिल के टोटल दो इलेक्ट्रॉन देंगे। और ये एक तो आप जानते ही हैं, ये जो मेटल मेटल बॉन्ड है इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए टोटल कितने हो गए, 36, और क्रिप्टन के जैसा ये भी स्टेबल होता है। यानी ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू EAN रूल। EAN रूल ये कहता है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए, और इन दोनों एग्जाम्पल में आप ऐसा देख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एग्जाम्पल्स EAN रूल को ओबे करते हैं, यानी वॉयलेट नहीं करते हैं ये दोनों एग्जाम्पल EAN रूल को। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं और कैसे बनते हैं, अब हम इसको समझेंगे। तो पहली बात तो देखिए, मेटल कार्बोनिल में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड ही बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ये बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन फुल फिल्ड पाई टू पी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO लिगेंड और वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल के बीच में बनता है। मतलब ये है कि मेटल के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो CO के फुलफिल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CO इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, यानी हियर डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम कार्बन ऑफ CO लिगेंड इनटू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल टेक प्लेस। अब बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला कौन होता है? बेस होता है, लुईस ने बताया था, बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी CO यहाँ पे बेस का काम कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और मेटल यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। लेकिन जो CO है वो अच्छा बेस नहीं है, इट इज़ वेरी वीक बेस। क्यों वेरी वीक बेस? क्योंकि बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे निकालेंगे तो +2 आएगा, तो जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इजिली डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो CO की इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है, इस वजह से CO वीक बेस है, और इस वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो पाएगी। इसी वजह से यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो बहुत वीक बनता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मेटल कार्बोनिल में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बहुत वीक होता है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है ये बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO लिगेंड एंड फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल के बीच में बनता है। मतलब ये हुआ कि मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल हैं और जो वो फुलफिल्ड होते हैं, क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा मेटल के डी ऑर्बिटल में, तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड भी होंगे। और अगर ये फुलफिल डी ऑर्बिटल CO के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो अब की बार आप देखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और CO इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसे हम बैक बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका, अब इसके बाद एक दूसरा बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मेटल कार्बोनिल्स में जो पाई बॉन्ड बनता है उसका एक नाम और होता है, वो होता है बैक बॉन्डिंग, और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक बेटा और क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन पाई एक्सेप्टर एसिड लिगेंड होता है, तो इसका आंसर है CO। चार ऑप्शन दिए होंगे, तो CO के बारे में ध्यान रखिएगा, CO वो लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा बॉन्ड बनाते वक्त, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेता भी है पाई बॉन्ड बनाते वक्त, तो इस वजह से इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
जिसका नाम है सिनर्जिक इफेक्ट। देखिए इसका मतलब होता है अपोजिट्स का एक साथ वर्क करना जबकि उनका गोल सेम है, मतलब वर्किंग टुगेदर ऑफ अपोजिट्स फॉर द सेम गोल। जैसे मेटल कार्बोनिल में आप देखते हैं कि दो बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, दोनों का नेचर देखिए अपोजिट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर का है। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दो फिनोमिना है जिनका नेचर एक दूसरे का अपोजिट है, और क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ काम करके मेटल और सीओ के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो इस फिनोमिना को यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे देखिए सिनर्जिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सीओ, सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। इसको चाहे आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है क्योंकि सीओ के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक N2 मॉलिक्यूल। तो जैसे नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है वैसे सीओ में भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। लेकिन जब यही सीओ मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन करता है तो मेटल और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है 3 से घट के 2 आ जाता है। आप सब जानते हैं कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो जब 2 नए बॉन्ड्स बने हैं तो यहाँ पे भी 2 ही बॉन्ड होने चाहिए ताकि कार्बन का जो टेट्रावेलेंसी है वो सेटिस्फाई हो सके। तो इस वजह से देखिए बॉन्ड ऑर्डर 3 की बजाय 2 हो गया है। तो ये सिनर्जिक इफेक्ट के एप्लीकेशन है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग सीओ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, और बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज होगा तो सब जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है जिससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है, सीओ में जब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा था तो बॉन्ड लेंथ कम थी 1.128 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जब यही सीओ एम के साथ जुड़ा और मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन किया तो अब सी और ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है और 1.15 एंगस्ट्रॉम हो चुकी है। तो इस एक्सपेरिमेंटल डेटा पे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है जिसमें यह पूछा गया था कि FeCO का होल 5 में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो इसका आंसर है 1.15 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट आएगा। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर वहीं पे लोवेस्ट आएगा जहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन अच्छा करेगा, सी ऑप्शन में वैनेडियम करेगा क्योंकि वैनेडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज आ जाने की वजह से वैनेडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है जो कि यहाँ पे मेन बॉन्ड है जिसे बैक बॉन्ड भी कहते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बैक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा काफ़ी, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर बहुत कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किसी सॉल्यूशन में बनता है बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल। मतलब ये है कि सारे के सारे लिगेंड्स एक साथ मेटल से बॉन्डेड नहीं होते हैं, धीरे धीरे बॉन्डेड होते हैं, स्टेप वाइज बॉन्डेड होते हैं। जैसे ये पहला स्टेप है जिसमें मेटल से एक लिगेंड ऐड हो रहा है और ML बन रहा है, इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उसे हम K1 से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद ये जो ML बना है इसमें दूसरा लिगेंड ऐड होगा और ML2 बनेगा, इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट आएगा वो K2 कहलाएगा। इसी तरह से सिमिलरली हम इन जनरल इक्वेशन बना सकते हैं, MLN-1+L gives MLN, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट KN है।
तो टोटल अगर देखा जाए तो एन स्टेप्स हो रहे हैं। तो अगर इन एन स्टेप्स को हम ऐड कर दें, इन एन स्टेप्स को ऐड कर दें, तो हमारी जो नेट इक्वेशन बनेगी वो एम प्लस एन एल गिव्स एम एल एन बनेगी। तो ये जो हमारा एम एल एन है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा एन से डिनोट किया जाता है। अब हम इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें ये बोला गया है कि जितने अगर हम कुछ स्टेप्स ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो देखिए ये जो स्टेप आया है ये इन सारे स्टेप्स को ऐड करके मिला है। यहाँ पे एम प्लस एल गिव्स एम एल और एम एल प्लस एल गिव्स एम एल टू, जब ऐड करेंगे तो एम एल एम एल कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा एम प्लस टू एल गिव्स एम एल टू। इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और फाइनली जब हम ये लास्ट वाला स्टेप जोड़ेंगे तो हमें नेट स्टेप जो मिलेगा वो ये मिलेगा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बीटा एन, वो इन सारे स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये जो बीटा एन है इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, के वन इंटू के टू इंटू डैश 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 अप टू के एन। यहाँ पे के वन के टू के एन को फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई जितना भी हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, राइट? अब सवाल ये उठता है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? तो देखिए सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड का नेचर कैसे स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा? तो देखिए पहला पॉइंट है, ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द वीकर लिगेंड। आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, उस सीरीज में जो आगे होता है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड कहलाता है और जो पीछे होता है वो वीकर लिगेंड कहलाता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सी एल माइनस पीछे होता है यानी वीक लिगेंड और सी एन माइनस आगे होता है यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इस वजह से दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, एक दूसरा भी पॉइंट है नेचर ऑफ लिगेंड से रिलेटेड, एक किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड मैंने आपको बताया था, उन लिगेंड को कहते हैं जो रिंग बनाते हैं मेटल के साथ, जैसे एथिलीन डायमीन, ग्लाइसिनेट आयन, और मैंने आपको ईडीटीए भी पढ़ाया था, वो भी किलेटिंग लिगेंड होगा। और मतलब जो भी बाइडेंटेट लिगेंड थे जैसे ईएन हो गया, ग्लाई हो गया, डीपी हो गया और एसी एसी और डीएमजी तमाम बताए थे। तो ये जो किलेटिंग लिगेंड होते हैं रिंग बनाने की वजह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है ये जो ई एन है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है यानी किलेटिंग लिगेंड है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा एक नॉर्मल लिगेंड के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। मतलब ये कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले से ज़्यादा स्टेबल आएगा। क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब सेकेंड पॉइंट है मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। भाई मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है, तो किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? प्लस टू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ या प्लस थ्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ? ऑब्वियसली प्लस थ्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इसीलिए ये रूल है मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। और अब एक तीसरा फैक्टर है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। आप लोगों ने मेटल लिगेंड के स्ट्रक्चर्स को देखा होगा, उनमें आपने हमेशा देखा है कि जो मेटल होता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है
और मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर तब अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा जब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, राइट। तो बेटा सेंट्रल मेटल में तीन पैरामीटर हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर और तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये तीनों पैरामीटर्स जब सेंट्रल मेटल के हाई होंगे तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, ओके। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ML4, ये M है, ये L है और ये 4 है, तो इस ML4 की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितनी आएगी, जबकि इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इतना दे रखा है। तो फिर से हम लोग इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, अगर इसी को हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स मेटल और लाइगेंड में डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। यानी डिसोसिएशन की जो रिएक्शन होगी वो फॉर्मेशन की अपोजिट होगी। तो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो 1/β4 होगा जो सॉल्व करने पे इतना आएगा, ओके। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है ये हमारा फिनिश हुआ।